अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना दानू दसर है बैरियर टाउन कराची में। आज हम इस वीडियो टाइटल के साथ बात करें कि डोंट सेल योर शॉप्स इन बैरियर टाउन कराची। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, खासकर प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं या बैरियर टाउन ने कोई शॉप्स, कमर्शियल ऑफिसेज या इस तरह की चीज़ें लॉन्च की थी, खासकर बैरिया हाइट्स में, डेस्कॉन के ग्राउंड फ्लोर पे, बैरिया हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर पे या पैरागॉन और डेस्कॉन के जो जितने भी दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ आपको शॉप्स मिल जाती हैं ग्राउंड फ्लोर पे। इसको रीसेल करने के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अभी ये बेहतरीन टाइम नहीं है, अभी ये टाइम परचेजिंग का है, क्योंकि अभी बैरिया टाउन का वो मेच्योर टाइम माशाल्लाह आने वाला है जब यहाँ बिज़नेस शुरू हो रहे हैं। ख़ासकर अब मिडवे कमर्शियल ए और बी साइड को जब विज़िट करते हैं, हेड ऑफिस के करीब का इलाका, वहाँ लिबर्टी कमर्शियल का ग्राउंड फ्लोर हो या मिडवे ए और बी में, हर तरफ आपको माशाल्लाह ज़बरदस्त साइज़ की शॉप्स नज़र आती हैं। कुछ ऐसी शॉप्स हैं जिसमें बेसमेंट और मेज़नाइन भी शामिल है, कुछ ऐसी शॉप्स हैं जिसमें बेसमेंट या मेज़नाइन शामिल नहीं है। तो अगर आप लोग इनकी बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में, तो आप लोग ज़रूर PPL टीम से रابطہ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मार्केट में काम करने वाले और दीगर लोग ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को किसी एक बंदे पर रिलाई नहीं करना चाहिए, मल्टीपल लोगों से आप राय भी लें, मशवरा भी करें और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करें कि मैं ये फ़लाँ प्रोजेक्ट में बुकिंग करवा रहा हूँ, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दें कि ये कौन लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से कितने टाइम में ये लोग डिलीवर करेंगे। तो मैं आज इन जनरल बता रहा हूँ कि बैरिया टाउन में जितनी भी शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, मॉल एंड रेजिडेंसी बन रही हैं, कोई फूड कोर्ट की जगह है, कहीं ग्राउंड फ्लोर की है, एक ही सुपर मार्केट की, चले मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि इम्तियाज़ स्टोर के सामने और एक ही सुपर मार्केट, वो वाहिद प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन कराची में जिसमें छोटे बड़े साइज़ की शॉप्स हैं और मतलब ख़ासकर मोबाइल मार्केट के तौर पे ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये इसकी बहुत जल्द ये आप लोगों को डिलीवर होने जा रहा है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, अब फिनिशिंग जॉब चल रही है इसकी AQ सुपर मार्केट की। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना चाहते या वो समझ रहे हैं कि इनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेकार है। कोई भी एजेंट, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सोशल मीडिया पर काम करने वाला बंदा आप लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करे या ये कहे कि AQ बाज़ार का फ्यूचर नहीं है या किसी भी जगह पे जहाँ आपने शॉप्स ली हुई हैं आपसे कम कीमत में ये चीज़ें लेना चाहे, तो उसका फीडबैक ऑब्वियसली आप ख़ुद देंगे। आप अभी कम कीमत पे चीज़ें ना बेचें, क्योंकि अभी आगे रमज़ानुल मुबारक है, ईद उल फितर और फिर उसके बाद ईद उल अज़हा तक का जो टाइम है वो बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा और प्राइस का ग्राफ मुसलसल ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि ख़ासकर कमर्शियल स्पेस को मैं इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ, उसमें ऑफिसेज भी शामिल हैं, उसमें शॉप्स भी शामिल हैं या कोई भी शोरूम्स वगैरह जो आप लोग कहते हैं ग्राउंड फ्लोर के या इससे ऊपर जो ऑफिस स्पेस है, कमर्शियल स्पेस, ये सारी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी बैरियर टाउन के अंदर, क्योंकि आए दिन जो रेडी टू बिल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं या जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर अच्छा खासा मटीरियल और अच्छा खासा टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ों में रेट्स एप्रिशिएट हो चुके हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ चुकी है, तो इस एप्रिसिएशन के बाद आप लोग ये लाजमी करें कि आज कमर्शियल स्पेस यानी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपके पास कोई दुकान, कोई ऑफिस या कोई शोरूम वगैरह हो जब मुस्तकबिल में आप जिसका रेंट भी अच्छा एंजॉय कर सकें और उसी कमर्शियल स्पेस को यूटिलाइज़ करके आप अपना भी कोई भी कारोबार भी चमका सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन और वीडियोस के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया पे अक्सर हम लोग आपको मैसेज देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।